करते हैं कि आप खैरियत होंगे, हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें, इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक मोहम्मद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मीम्स ठग लाइफ, इंडियन पॉपुलर मीम्स वीडियो, देसी ठग लाइफ। वीडियो देखते हैं और अपना रिएक्शन पर देंगे। काफी दिनों के फनी वीडियो नहीं आई थी, चलें जी वीडियो स्टार्ट। देखो गुरु, लोग कहते थे कि सिंगल लाइफ इज बेस्ट लाइफ, तो हमको बकवास लगता था, कारण हमारी गर्लफ्रेंड नहीं थी, तो हम अंदर चैसा गर्लफ्रेंड वास गए थे कि कोई लड़की गर्लफ्रेंड बन जाए। अब गर्लफ्रेंड बन गई है तो मन कर रहा है किसी नदी नाले में कूद के अपना जान दे, बलिदान हो गए हैं। चलो कोई ऐसा दोस्त यार मित्र हित नहीं बचा है जिससे हम 1,500-2,000। चलो अंडा दूध खाने की हमारी औकात नहीं है, लेकिन उसको डोमिनोज में पिज्जा खिलाना पड़ता है, मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खिलाना पड़ता है, इयररिंग है ये है वो है, जूता चप्पल सब दिलाना पड़ता है। चलो इतना कमजोर हो गए हैं कि 10 रुपये का अंडा खाने के लिए बार बार बजट पास कराना पड़ता है कि पिताजी हमको 10 रुपया दे दीजिए अंडा खाएंगे, बहुत कमजोर हो गए। लेकिन कहती तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते हो, साला तुम्हारा ख्याल रखने के चक्कर में अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हो, नीचे गड्ढा हो गया, बाल झड़ रहा है, तुम तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते। बता गई है लेकिन मोटी कह दो तो लड़ाई झगड़ा मार के ब्लॉक सब कर देगी। इस देश की जितनी भी लड़कियां हैं सबके लिए एक शब्द कहना चाहूंगा कि हमारी औकात ठेला पे छोला कुलचा खाने की है, पसंद आए खाओ वरना अपनी मैया। ये बात है दूध पियोगे? आई विश मेरे दोस्तों ने इसमें वायग्रा मिलाया हो। फिर भी तुम मेरे एक्स को मैच नहीं कर पाओगे। अरे रुको जरा, सबर करो। मैं हूँ आपकी स्टीरियोटिपिकल साली जिसे बात करने की जरा भी तमीज नहीं है, लेकिन डबल मीनिंग डायलॉग मार के आपको ऑकवर्ड महसूस कराऊंगी। तभी मैं साली आधी घरवाली बोल के एक्सेस जोक मारूंगा। मैं ऑकवर्ड हो रही हूँ। चली जा वरना तुझे इधर ही धर लेगा। बचपन से मेरा सपना था कि कोई ऐसा मिले जिसे पकड़ के मैं सब भूल जाऊं। फिर कोई मिला? हाँ। कौन? बचपन का तेरा सपना पूरा करूं, टेंशन सारे भूल जा, आजा फेजो बेटा मेरा लबड़ा पकड़ के झूल जा। Oh, my God.
एक बॉडी बिल्डर इंसान बस में आकर बैठ गया और ड्राइवर से बोला, मुझे टिकट लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फ्री में जाऊंगा। ड्राइवर पतला सा था, उसने सोचा कहीं मैंने ऐसे बहस करी तो ये मुझे इतना मारेगा कि मैं बस चलाने लायक नहीं रहूंगा, इसलिए वो शांत रहा। अब ऐसा डेली होने लगा और वो बॉडी बिल्डर इंसान रोज बोलता, मुझे टिकट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक दिन ड्राइवर फैसला करता है कि मैं भी जिम जाकर बॉडी बनाऊंगा और फिर से बात करूंगा। उसके बाद एक साल के अंदर ही वो ड्राइवर खूब मेहनत करके अपनी बॉडी बना लेता है। अब एक दिन ऐसा आता है, वो बॉडी बिल्डर फिर से बस में आकर घुसता है और बोलता है, मुझे टिकट की जरूरत नहीं है। अब वो ड्राइवर खड़ा होता है और गुस्से में बोलता है, क्यों तुम्हें टिकट लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें टिकट लेनी पड़ेगी। इस पर बॉडी बिल्डर बोलता है, मुझे टिकट की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने बस का पास बनवा रखा है। देखो जादू है कि मैं ना आपके इनरवेयर का कलर बिना देखे गैस कर सकता हूँ। वो है ना, बस मेरे ऊपर छोड़ दो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बोलो पेरिस, ओस्लो, जकार्ता, अबू धाबी। बोलो जल्दी बोलो। जयपुर, जयपुर, कायरो। करो ब्लैक कलर है। ये तो पिंक है। गजब बेचती है। पिंक है, मैं कैसे मान लू दिखाना। पिंक है, मैं कैसे मान लू दिखाना। चले जी वीडियो खत्म हो गया। क्या बात है भाई साहब, बड़े दिन हो गए थे कोई ऐसी वीडियो ही नहीं आई थी। फनी माहौल, कभी सलाब, कभी टमाटर, कभी कुछ, कभी कुछ, इससे बंदा निकल ही नहीं रहा था। लेकिन आज जो माल देखा माल बोलने वाला ये माल अच्छा इसने, अच्छा वो जो पहला सीन था ना, वो बेचारे ने वो कील लगाने वाले ने भाई साहब वो तकलीफ दे था, वो खतरनाक था माहौल। और जो बेचारे लड़के की तकलीफ तो भाई साहब क्या बताऊं, एक बंदा गरीब है, उसकी इतनी पैसे नहीं है, बोल रहा था कि मैं कोई ऐसा यार दोस्त छोड़ा नहीं, हजार 500 देना ना होगा। तो ये बंदे की तकलीफ है। गर्लफ्रेंड हो तो आपका जैसा मतलब बॉयफ्रेंड है, जितनी उसकी वैल्यू के हिसाब से, उस हिसाब से उससे खर्चा करवाएंगे, होता रहता है साथ में चलने से खर्चा होता रहता है, लड़के करते रहते हैं। और बाकी हाँ ये भी हो सकता है कि ये लड़का पहले दिन बोल देना कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो इतना खर्चा कर, ये पहले शो मार गया अभी मैं बड़ा अमीर हूं, मैं ऐसा हूं, तो वो मांगे करती रहती होगी। तो ये भी हो जाता है कि अपनी बात में रहकर उसको बोलो ना, तो फिर वो भी नहीं इतना ज्यादा खर्चा मांगे। सही बात है, ये भी है। तो वो कहीं ऐसा ना ना पहले दिन से ही ना ठेंगा दिखा के चली जाए, चली जाए। और ऐसी लड़की को क्या करना भाई, और जो गरीब कर दे उसको क्या फायदा, वो सारे मुल्क के पैसे दे रहे, बंदा मुझ पाता फिरे भी इसके भी पैसे देने, इसके भी देने, वो अच्छी बात है। अरे शादी वाला तो भाई साहब शादी, वो कहती है, अच्छा वो बोलता है कि आई विश कि मेरे दोस्त ने दूध में वैगरा डाली, मतलब वैगरा गोली थी पावर वाली। शक्तियां आई जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं की, लेकिन पता तो है भाई संत लौने सच में। अच्छा वो ना कहता है आई विश के दोस्तों ने गोली डाली हो, तो वो कहती है वाइफ जल्दी उसकी कहती है, जितनी मर्जी गोली खा लो मेरे एक्स के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, मतलब जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड है उसके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। भाई साहब क्या पंच था, वो बंदे ने महसूस भी नहीं किया, महसूस करके कर भी क्या सकता था, बताओ मुझे क्या कर सकता था। और जो भाई होटल में जो पेंट वाला सीन था, वो तो बंदे ने कमाल ही कर दी ना, पेंट था टेबल था अपनी, वो बुनियाद भी शर्ट भी तो उतार सकता था ना, जो वो तो नंगा हो जाता नीचे, तो चलो उसने कच्चा पहना हुआ था, नहीं ऊपर से मर्द था भाई, उसने उसकी सलमान खान वाली बॉडी नहीं होगी ना, ये भी होता है।
और जो भाई से डॉक्टर बनने वाले वो मोटिवेट करके सारा को जो ही दिला के कहता भाई हम मेडिकल डॉक्टर हैं। सबसे बड़ा जो उसने उन्हें कहा ना कि अपना ही है घर की खेती है अपनी बॉडी से निकला जो डॉक्टर लोग जो अच्छा था ना इसमें अच्छा जो पंच था ना वो भाई बस वाले ही था बंदा साल पूरा बॉडी बना था लेकिन मतलब उसने उसे बॉडी बनाने पर मजबूर तो कर दिया भाई। उसने कहा कि भाई डॉले बना के इसका मुकाबला करूंगा और किसी और डॉले वाले को एक दिन के लिए ले आता भाई ये बंदा मुझे तंग कर रहा है इसको थोड़ा सा सीधा कर रहे अच्छा उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं उसे पूछ ही बजाय साल जाया किया है जिम जाकर उधर खर्चा वगैरह भी किया है लेकिन पूछ रहा हिम्मत नहीं है। तो आपको भाई साहब कौन सा सीन इसमें पसंद आया एक से बढ़कर एक सीन थे भाई मजा आ गया और बाकी अच्छा एक और बात है जी सर भाई मजे की बात है कल हम लोग फुटबॉल खेल कर बैठे थे तकरीबन रात ही हो गई थी तारक भाई ने एक अपना शूज डाल दिया और एक मेरा और अगले दिन सुबह भी था दोनों अलग अलग शूज थे उनके साथ ही आज आज हम खेले भाई पता नहीं चला नहीं पता चला अंधेरे के अंदर बैठा भाई हम इकट्ठे बैठे थे हमारे शूज का कलर भी एक था नहीं मामू तो बना नहीं नहीं फुटबॉल के थे मामू तो तू बना बन क्या भाई हमारे शूज इकट्ठे थे कलर भी एक था वो भाई मैंने बैग में अपने में डाले लेकर आ गया एक ये मेरा लेकर चला गया और मैं मतलब मैं तो बाद में गया एक एक जूता हमारा जी चेंज हो गया और आज हम दोनों ना वही जूते पहन के जो एक पैर अलग अलग था और एक अलग था मतलब पैर हमारे सेम ही 10 नंबर का जूता आता है तो वो अलग था लेकिन वही पहन के खेल करें और वो अभी अभी तो चेंज हो गया तो क्या नहीं दोबारा से फिर अपने बैग में डाल रहेगा बाद में याद आ कहता यार अब तो चेंज कर लो तो चेंज आज तो भाई चेंज कर लिया हो जाता है अंधेरे में कभी कभी लेकिन तारक भाई के शूज से आज मैंने शूट लगाई देखा पोल को टच करके आए शूज का कमाल है इसीलिए तो मैं तुझे देता नहीं रहता तो ठीक है भाई और ऐसे शूज कोई पहनने की हिम्मत भी नहीं करेगा ये बात है सब ये भाई साहब आप इससे खुद ही पूछ लेना अब हम इधर बता नहीं सकते पहले ऐसे हो जाते तो ठीक है भाई साहब बड़े अच्छी थी वीडियो मिलते रहे वीडियो के साथ तब तक के लिए इजाजत दें अल्लाह हाफिज़।